हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं ले आई हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर हम टेस्टी के साथ में हेल्दी फूड भी बनाएंगे। तो जिसमें मैंने मटर का दाल और अपना अरहर का दाल मैंने मिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे पालक हम अच्छे तरीके से दाल को वॉश कर लेंगे और एमवे कुकर के अंदर इसको डाल के और डाल देंगे। और जो पालक है, पालक भी अच्छे तरीके से वॉश करके हम अच्छे से चॉपिंग कर लेंगे। चॉपिंग करके हम इसके अंदर पूरा जो पालक है हम पूरी तरीके से अच्छे से दबा के डाल देंगे। अब पालक में पानी पहले से होता है तो पानी भी हम हिसाब से डालेंगे, बाद में पानी छूटता है पालक में से। और हमारे जो इसमें हल्दी और थोड़ा इसमें चने का दाल है, तो वो जो है पकने में थोड़ा समय लग मतलब उसको गलने के लिए थोड़ा सा सोडे का यूज़ किया जाता है। तो सोडा और स्वाद अनुसार नमक हिसाब से डालिएगा। नमक एक बार थोड़ा कम डालोगे तो बाद में मिक्स भी कर लोगे, और ज़्यादा मत कीजिएगा। ये जो हमारे कुकर है हमें अच्छे तरीके से गैस पे फ्लेम चढ़ा देंगे। हमारा पानी जो था, पानी थोड़ा ठंडा था, इसके वजह से हमारा आजू बाजू का पानी पूरा चढ़ा हुआ है। तो मैं इसको हाई फ्लेम पे करी हूँ, मगर जो बिगनर हैं जिनको ये चीज़ का आइडिया नहीं है, वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बर्तन को हीट करेंगे। अब मैंने बाद में इसमें खटाई भी ऐड कर दी थी। खटाई अगर नहीं हो तो यहाँ पे हम कच्चे आम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, एक बार का जो दाल है हमारा, उसका हमारे उसमें उबाल आ चुका है। मैं अच्छी तरीके से इसमें वॉश कर लूँगी। ये ढक्कन दिखाने का मतलब ये था कि उसके ऊपर जो पानी है, वो पानी जो है मतलब आपको ये इसका जो भाप है, मतलब जो दाल हम कुकर के ऊपर देखते हैं ना, सीटी मारता है तो ऊपर से पूरा लेयर बन जाता है टूट के, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो दाल है प्रॉपर खड़े खड़े रहते हैं, और न्यूट्रिशन जो होती है वो पूरी तरीके से लॉक होती है। तो मैं अच्छी तरीके से उसको चला के एक बार ऑल लॉक कर दूँगी उसको दबा के। तो यहाँ पे एक बार जो हमारा ढक्कन होता है ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पकड़ लेता है तो वो अच्छी तरीके से मतलब हमारे अंदर कुक करता है, और जब पक जाता है तो वो बर्तन खुद ही बहुत आवाज़ भी करता है कि मतलब हमारा कुकिंग जो भी उसके अंदर फूड हम डाले होते खाना डाले होते वो अच्छी तरीके से पक जाता है। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन डाल लिया है एमवे कुकर का ही। तो फ्राई पैन में मैंने जीरा डाल लिया, जीरे को अच्छे तरीके से सॉटे करना है। और यहाँ पे हम बिना तेल के बना रहे, तो सारी चीज़ें हम ये बर्तन जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रख के हमें हीट करके बनानी है। तो यहाँ पे मेरा जो जीरा है, जीरा अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम इसके अंदर मिर्ची और लहसुन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मिर्ची क्या है, मिर्ची तो हम फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, बट जो लहसुन रहता है, लहसुन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो लहसुन जो है, अगर आप अपने हेल्थ के लिए खा रहे होते, इसमें तो तेल नहीं है, तेल में डालने से उसका जो फायदा चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। बट यहाँ पे अगर आपको लहसुन को, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्राई पैन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका कच्चापन निकल जाए। अगर आप फ्राई पैन मतलब लहसुन तेल में न तल के डायरेक्ट उसके अंदर दाल वगैरह आप अगर पका रहे हो तो दाल वगैरह में डाल दो, उसी में पक जाएगा लहसुन, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। प्लस मैंने यहाँ पर कांदा ऐड कर लिया है। कांदा सॉटे होने में थोड़ा समय लगता है, कांदा पकने में थोड़ा समय लगता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे जिससे फटाफट जल्दी हो जाए। तो एकदम हिसाब से थोड़ा सा नमक डालना रहता है। और देखिए नीचे यहाँ पे कालापन दिख रहा है। कालापन दिखाने का मतलब ये है कि लेडीज़ की सबसे बड़ी समस्या है कि बर्तन जल्दी इस तरीके से काले होने शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी साफ़ नहीं होता, और नीचे बर्तन जल के ही रहता है। नॉर्मल ये जो बर्तन होता है हमारा नॉर्मल, वो जलता ही है, मगर ये जो है हमारे सर्जिकल स्टील से बना हुआ है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता। मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये हमारा जो नीचे देख रहे काला काला हुआ है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी जिससे कि तड़का ज़्यादा फैले ना। मैं यहाँ पे लाल मिर्ची भी मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे कि तेल वगैरह पर ऐड करते तो हम उसके अंदर पहले ही वो कर लेते, तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची, हींग, हल्दी और गरम मसाला, ये लाल गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड किया हुआ, धनिया पाउडर वगैरह, और थोड़ा सा इसके अंदर एकदम वैसे तो मैं पहले हम लोग नमक मिला चुके हैं, मगर फिर भी आप अगर कांदा अगर आपका गले में बहुत ज़्यादा कड़क है तो उसको गलाने के लिए एकदम थोड़ा सा एक चुटकी नमक इसके अंदर ऊपर से भी छिड़क सकते हो। और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अगर तेल में हम तलते हैं तो हम इसके अंदर ये जो हमारा तेज़पत्ता है पहले ही डालते हैं, बट हम यहाँ पे पानी में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम कुछ टाइम के लिए इसको ढक के पका लेंगे, 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम ओपन करके अच्छे तरीके से जो हमारे टमाटर है उसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करके
फिर हम इसके अंदर वो जो हमने दाल पकाया हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर जो खड़े खड़े रह गए उसको अच्छी तरीके से मैश कर दे रहे हैं। ये जो बर्तन है ये हमारे पूरी तरीके से दाल का प्रोटीन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं हर एक चीज़ एकदम गांव का जैसा शुद्ध हम खाना खाते हैं उसी तरीके का इसके अंदर टेस्ट आता है। और ये इसमें प्रोटीन वगैरह भी हमें पूरी तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हमने तो दाल प्लस प्रोटीन है तो ये पालक है, दाल प्लस पालक है तो ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो अच्छी तरीके से हम इसको यहाँ पे मैश कर रहे हैं। अगर आप ऑयल वाले बर्तन में जैसे नॉर्मल बर्तन में आप कुकिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप थोड़ा सा तेल ऐड करके आप ये सारी चीज़ें सेम प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका भी इसी तरीके से दाल बनेगा। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ रेडी करने के बाद पूरी तरीके से फ्राई पैन में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर वो भी डाला था, शायद मैं दिखाना भूल गई, अपना कस्तूरी मेथी मैंने क्रश करके डाल दिया हुआ था। और कुछ टाइम मैंने इसको पकाने के बाद मैंने इसको प्लेट में सर्व किया। आप भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बनाइए और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।